तो क्रियांश ने जी अपना गिफ्ट कर लिया फाइनल। तो हम पहुंच गए जी घर, और जैसे ही घर पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ जो डेकोरेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा पार्टी होगा, और क्रियांश भी जो है मजे में देख रहा है। तो बारी है जी अब सभी के पेट पूजा की, तो शुरुआत हो रही है चाउमीन से। तो केक यहाँ पर आ चुका है, अब केक की अनबॉक्सिंग की जा रही है। ये लोग अपना डिसाइड कर लिया कौन क्या खाएगा, एक तो बैट खेते है, एक बॉल खेते है, एक विकेट खेते। तो यहाँ पर जी कैंडल जल चुका है और अब बारी है केक कटिंग की। झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे, देसी है झुमके। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग सूरत से आ गए और आज है श्रेयांश का बर्थडे। श्रेयांश का नाम है लड्डू, है लड्डू। और इधर पीछे देख सकते हैं दो दो बच्चे हैं, माँ है, मम्मी है, सब बैठी हुई हैं। ये दोनों इतने परेशान कर रहे हैं कि सब परेशान है। देख लो आवाज तो आ रही होगी। और पीछे इधर हमारा ओरी, इधर गया ओरी, इधर आ ओरी। तो बाहर हो रही है डेकोरेशन, तो चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं बाहर, और दीदी उधर जो है अपना किचन से ढकते हुए। तो भैया यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं, अंदर लग गया थोड़ा बहुत, इधर लड्डू खड़ा है। यहाँ पर जी चल रहा है सजावट, तो अभी तो पूरा नहीं हुआ है सजावट, जब एक बार पूरा हो जाएगा डेकोरेशन उसके बाद आपको बताएंगे। और फिलहाल हम चल रहे हैं बाहर, बाहर जो है लड्डू का कुछ गिफ्ट सब लेना है, गिफ्ट लेकर के उसको पैक भी करवाना है। मेरा एक ही चप्पल मिला है लड्डू, दूसरा चप्पल देख लो वो अंदर ही घुसा हुआ है अंदर के। चलो मिल गया, चलते हैं। जैसे ही रूम से बाहर निकले हैं जी, पूछिए मत, बाहर इतनी तेज गर्म है। एसी में रहने का सच में जी यह तो एक नुकसान है जी, एसी में अगर आप बैठ जाएंगे फिर बाहर निकलेंगे गर्मी बहुत आपको फील होगा। इससे अच्छा है कि नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे रहे। लेकिन क्या कहे जी, बच्चे हैं, बच्चों को सुलाना होता है, तो सुलाने के लिए अंदर चले जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर बैठते हैं, तो एसी में हमें रहना ही हो जाता है। अभी यहाँ पर सभी लोग जी शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट होने के कारण जो लिफ्ट बहुत ज्यादा बिजी रहता है। हम लोग का है 24वां फ्लोर, तो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से यहाँ पर लिफ्ट के आने का। देख सकते हैं पूरा शिफ्टिंग का यहाँ पर काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो है अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ प्रोसेस जो है अभी चलता ही रहेगा, क्योंकि लोग को जो है पोजीशन अभी मिलना चालू ही हुआ है। और देख सकते हैं जी हमारे पीछे, सुन सकते हैं आवाज बैकग्राउंड में, इस तरह का हमेशा कुछ ना कुछ काम चल ही रहा होता है, कभी टाइल्स का, कभी लकड़ी का, कभी कुछ कभी कुछ। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा बच्चों को भी सुलाने में दिक्कत हो जाती है। क्या होता है कि क्रियांश का आदत है कि वह घूम करके ही सोता है, और एकदम थोड़ा सा उसको शांत इलाका चाहिए। क्या हुआ तुम्हारा? ब्रूनो नाम है, ओके। तो क्रियांश को लेकर के जो है घूमना होता है, और जब घूमते हैं वहाँ पर अच्छे से तब उसके बाद जो है क्रियांश होता है। लेकिन इस तरह से जो काम चल रहा होता है टाइल्स का, लकड़ी का, यह सब, तो इस वजह से जो है क्रियांश को सुलाने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर जी जो अपना सोसाइटी है उसका जो स्टेशनरी है वहाँ पर तो बंद है, जो पास का एक सोसाइटी है वहाँ भी गए, वहाँ भी स्टेशनरी बंद है, और यहाँ दूसरी सोसाइटी में पता किया यहाँ पर है ही नहीं स्टेशनरी। तो अब जो है थोड़ा सा चक्कर लग गया है, लगता है अब दूर जाना पड़ेगा, देखते हैं कहीं आसपास मिल जाए तो गाड़ी निकाल लेते हैं। तो क्रियांश ने जी अपना गिफ्ट कर लिया फाइनल, की क्या रिटर्न गिफ्ट देना है। क्रियांश के सभी दोस्त आ रहे हैं, तो क्रियांश को जो है रिटर्न गिफ्ट देना है। तो अपना कुछ डिसाइड हुआ कि क्या लेना है, पहले तो सोच रहे थे खाने का कुछ आइटम दिया जाए। अरे मैं क्रियांश बार बार बोल रहा था ना, अभी मुझे ध्यान आया है श्रेयांश, इसका नाम श्रेयांश। श्रेयांश के जो कुछ दोस्त सब हैं वो सब सब्सक्राइबर भी हैं, वो लोग भी ब्लॉग देखते हैं, तो कह रहे बताने के लिए नहीं। ठीक है, नहीं बताएंगे, आप लोग भी देखिएगा कि आखिर क्या रिटर्न गिफ्ट है, बाद में आपको दिखा देंगे। अंदर में चल रही है पैकिंग और साथ में ये खाने का, तो यहाँ पर जो है खाना खा लिया। अच्छा, और यहाँ मोमोज आ गया, भैया पैक करना है इसको, पैक करना है, पैक कर दीजिएगा। तो जिया को भी कुछ लेना था तो ले लिए, मम्मी और नैन्सी दीदी सभी लोग बाहर गए हुए हैं तो उनके लिए भी ले लेते, उसी घर में आज कुछ स्पेशल बनेगा ही, जरूरत भी नहीं है, घर में ऑलरेडी कुछ अच्छा खासा स्पेशल बन रहा है। तो हम पहुंच गए जी घर, और जैसे ही घर पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ जो डेकोरेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हैं एक छोटा सा पार्टी होगा, लेकिन बहुत ही प्यारा सा पार्टी होगा, और क्रियांश भी जो है मजे में देख रहा है पूरा। ये दोनों भाई जो है ये और गति, हाँ पूरा इसको नोच रहा था, तो इसके नीचे ये टेबल भी जो है पूरा डेकोरेट।
किया गया है, ढक के रखा गया इन दोनों से बचाने के लिए। आप जब आते हैं नहीं कुछ ज्यादा दुलार बनने लगता है। तो आपको एक बार तो डेकोरेशन दिखा देते हैं जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर यह लगा हुआ है हैप्पी बर्थडे का यह बलून, और साथ में देख सकते हैं बैकग्राउंड, तो यहीं पर केक कटा जाएगा। और जैसा कि जिया ने बताया कि यहाँ पूरा ढका हुआ है अभी, तो ये केक जो है यहीं पर कटिंग होगा। हाँ बिल्कुल, उस टाइम हटाया जाएगा। देख सकते हैं जी यह डेकोरेशन हो गया कंप्लीट, बस अब इंतजार है सेलिब्रेशन का। तो बारी है जी अब सभी के पेट पूजा की, तो शुरुआत हो रही है चाउमीन से, तो जल्दी से चाउमीन लगाया जाए और सभी को दिया जाए, सभी को देने के साथ साथ हमें भी कुछ दे दिया जाए क्योंकि हमें भी बहुत भूख लग गई है। हेलो बच्चा लोग, ले लो ले लो, एक एक ले लो अपना। हेलो बाबू मिसी का ये ले लो बाबू। हो गया सबको। तो क्रियांश भी जो है जी उठ गया है, तो देख रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। अब जो है बहुत सारे गेस्ट जो है आ चुके हैं, सभी गेस्ट जो है इंतजार कर रहे हैं केक कटिंग का। तो केक कटिंग भी जो है बस अब स्टार्ट ही होने वाला है, तो क्रियांश भी बिल्कुल सही समय पर उठा है, जब जो है इसके भैया का केक कटेगा ठीक उससे पहले उठा। तो केक यहाँ पर आ चुका है, अब केक की अनबॉक्सिंग की जा रही है। ये लोग अपना डिसाइड कर लिया कौन क्या खाएगा, एक तो बैट खेते है, बॉल खेते है, विकेट खेते। तो बैट और बॉल खाएगा, विकेट कौन खाएगा नहीं पता, विकेट कौन खाएगा। तो केक अभी कटा नहीं, डिसाइड हो रहा है कौन बैट खाएगा कौन बॉल खाएगा। हाँ बस हो गया, केक काट लो फिर। यहाँ पर जी कैंडल जल चुका है और अब बारी है केक कटिंग की। तिलक हो गया इसका, जब तिलक हो गया तो जाओ बगल में चले जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर क्रियांश को खिला दो सबसे पहले, ये नहीं खाएगा अभी। इतने शोर से क्रियांश डर गया, देखो खाता है कि नहीं, नहीं खाएगा ये, नहीं खाएगा। हो गया, विकेट मिली है किसी को? बस तो यहाँ पर केक कटिंग हो गया और सारे बच्चे जो है आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि इनको बैट लेना है कि इनको बॉल लेना है। अच्छा बॉल किसको मिला? अभी नहीं मिला किसी को, चलिए कोई नहीं, ओके ओके ठीक है ठीक है। सब किचन में रखवा। तो तेजस कैसा लगा क्या? अच्छा है, कैसा भैया? ठीक है, चलिए खाइए। आपको मिल गया सबको, कोई बचा हुआ है यहाँ पे? टेटल लड्डू सभी को मिल गया जो बचे हुए हैं टेटल। यहाँ पर बन रहे थी गरम गरम भटोरे, तो देख सकते हैं जी यहाँ पर ये वाला देखो ये फूलता है, तो ये वाला नहीं फूला। अच्छा ये वाला नहीं फूला, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर सभी को गरम गरम भटोरा मिल रहा है, थोड़ा तैयार है, सभी लोग खा रहे हैं मजे में। अच्छा आधा गन्नू खा लेगा, कोई बात नहीं। बाबू का फेवरेट सॉन्ग लग चुका है और ये डांस करने वाला है आगे। वाह 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 वाह। देसी है झुमके, इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू।
चुन चुन के रे, देसी है झुमके इंग्लिश ठुमके रे, मारे दीवाने तू चुन चुन के रे। हो गया।